हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी नेचर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है। इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इसका मतलब क्या होता है, ये कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो 70 के अंदर लियोनार्ड नाडलर ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था उसको उन्होंने दिया था कि ह्यूमन बीइंग जो है उसको डेवलप करना चाहिए। देखो जैसे हमारे पास क्या है कि मैन मतलब मटेरियल भी है, मशीनरी भी है, मेथड्स भी हैं, सब कुछ है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डैट इज़ दी ह्यूमन बींग। क्योंकि मशीनों को रन कौन करेगा? ह्यूमन बींग। मेथड के अंदर इम्प्रूवमेंट कौन लाएगा? मटेरियल्स की यूटिलाइजेशन के बारे में कौन सोचेगा? मशीनरों को किस तरह से इफेक्टिवली रन करना है? तो इट इज़ दी ह्यूमन बींग जिससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती है, इवन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती हैं। अगर हम देखें कि अगर किसी नेशन की जो तरक्की है वो भी डिपेंड करती है कि उसकी ह्यूमन बींग्स कितने डेवलप हैं। ह्यूमन बींग्स ऑब्वियसली अगर वो डेवलप है तो ऑर्गेनाइजेशन को हाइट्स ऑफ सक्सेस पे लेके जा सकते हैं। और नेशन भी वही डेवलप होता है जिसके ह्यूमन बींग जो होते हैं डेवलप होते हैं। तो हम देखते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, देखो बाकी सारे जो रिसोर्सेज होते हैं पैसिव होते हैं, उनमें से जो एक्टिव रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स होता है, इसको डेवलप करना जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे क्या है कि देखो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो गोल होता है कि जो उनके पास जो लोग काम करते हैं वो हायर क्वालिटी के होने चाहिए, उनके अंदर प्रोडक्टिविटी का लेवल हाई होना चाहिए। और प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है कि लोगों का नॉलेज और स्किल जो है अगर वो इंक्रीज होता है, अगर वो डेवलप होते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है। और जब हम HRD कंसेप्ट की बात करते हैं तो इट इज़ यूज्ड एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। माइक्रो होता है छोटा लेवल, मैक्रो होता है बड़ा। मैक्रो लेवल हम नेशन पे बात करते हैं। अब देखो जैसे कोई भी नेशन है, कोई भी देश जो है वो तभी डेवलप हो सकता है अगर क्या है कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर स्किल्स में इजाफा है। और वहाँ पर क्या है कि देखो तभी एक नेशन जो है डेवलप होता है अगर ह्यूमन बींग्स डेवलप है। और जब आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द कोर ऑफ ऑल द डेवलपमेंट एफर्ट्स। कि जो भी देश के अंदर डेवलपमेंट्स के एफर्ट्स किए जाते हैं, प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं, उनका सबसे जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है डैट इज़ जो देश के अंदर नागरिक रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। और जब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सर्वाइव कर सकती है, तभी ग्रो कर सकती है, तभी हाइट ऑफ सक्सेस प्राप्त कर सकती है अगर उसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो डेवलप्ड है। तो माइक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के साथ डील करता है। HRD का यहाँ पे मतलब है कि जो लोग काम करते हैं उनकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव करो। अगर देखो क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आ जाएगी, हर चीज़ के अंदर क्या है कि क्वालिटी दिखेगी और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी और इसके साथ साथ क्या है इंडिविजुअल्स भी ग्रो करेंगे। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू। देखो यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है। देखो ह्यूमन रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम किसी को भी क्यों हायर करते हैं? क्योंकि उसके अंदर कोई काम करने की क्षमता होती है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द टैलेंट्स एंड एनर्जी ऑफ द पीपल डेट आर अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन एज पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द क्रिएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, विजन एंड वैल्यू एंड गोल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बींग्स को क्यों हायर करती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, टैलेंट होता है, एनर्जी होता है, जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि अपना काम कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन एंड विज़न होते हैं उसको अचीव कर सकती है। और डेवलपमेंट के मतलब क्या होता है कि देखो जैसे हमने एक व्यक्ति एम्प्लॉयज़ को रखा है तो हमें क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं तो जिसके मुताबिक हमें जो हमारे
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं उनको हमें सुटेबली डिवेलप करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ताकि जो उनका टैलेंट है और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रही हैं उसी के मुताबिक जो है उसको कैपेबल बनाया जा सके. तो डिवेलपमेंट रेफर टू ए प्रोसेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस लीडिंग टू द सिस्टमैटिक एंड पर्पजफुल डिवेलपमेंट ऑफ द होल पर्सन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट. तो यहाँ पर डिवेलपमेंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिवली जो चेंजेस आ रही हैं उसके मुताबिक अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डेवलप करना पड़ता है प्योरली बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ताकि वो जो न्यू चेंजेस हैं उसके मुताबिक वो काम कर सकें. अब हम देखते हैं कि एचआरडी, क्योंकि अब हमने ह्यूमन रिसोर्स का भी मतलब समझ लिया, डेवलपमेंट का भी मतलब समझ लिया. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मे बी डिफाइंड एज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी डायनेमिज्म मोटिवेशन एंड इफेक्टिवनेस इन सिस्टमैटिक एंड प्लान वे. देखो जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये एक प्लान तरीके से क्या है कि ह्यूमन बींग्स को सिस्टमैटिक मैनर्स के अंदर डिवेल्प किया जाता है, ताकि उनकी जो नॉलेज है उनकी कैपेबिलिटी जो है उसके अंदर इजाफा हो सके. डायनेमिज्म का अर्थ होता है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हैं, इन्वायरमेंट जैसे अब कहता है कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करो, तो वो जो डायनेमिक है जो चेंजेस हो रही है इन्वायरमेंट के मुताबिक उस मुताबिक एम्प्लॉयज़ के अंदर कैपेबिलिटी डिवेल्प की जाती है और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपने आप को डिवेल्प कर सकें. और उसी तरह देखो जब हम एचआरडी की बात करते हैं तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनके काम करने का नज़रिया, उनका सोचने का नज़रिया, हर चीज़ के अंदर क्या है कि चेंजेस होनी चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर, नेशन के अंदर बेस्ट जो है कंट्रीब्यूट कर सकें. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी डेफिनेशन दी हैं, जो आपको सुटेबल लगती है, जो आप मेमोराइज कर सकते हो उसको आप याद कर लीजिए. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो अर्थ है, देखो यहाँ पर हमने ह्यूमन बीइंग दोज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन उनको हमने डेवलप करना है, ताकि उनके अंदर जो है लर्निंग कैपेसिटी इन्हांस हो सके इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इंडिविजुअली भी उसके अंदर क्या है कि डेवलपमेंट हो सके, उनकी इंटरपर्सनल जो एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ, एक टीम की दूसरी टीम के साथ जो है कैपेबिलिटी इन्हांस हो सके. अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट उन्होंने डिफाइन किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स थ्रू डेवलपमेंट. देखो यहाँ पे जो एचआरडी की हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स एडिंग वैल्यू टू द इंडिविजुअल्स टीम्स और एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए ह्यूमन सिस्टम. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? ह्यूमन बींग. तो उनकी डिवेलपमेंट जो है बहुत ही एसेंशियल होती है. जब कंटिन्यूस तरीके के अंदर क्या है कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि उनकी कैपेबिलिटी इन्हांस होती है. अकॉर्डिंग टू टी वी राव HRD is a continuous. देखो ये नहीं कि मैंने एक बार सीख लिया तो उसके बाद मैंने सीखना नहीं है. अगर मैंने अपने आप को डिवेल्प करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने एम्प्लॉयज़ को डिवेल्प करना है, तो हमें कंटिन्यूस तरीके से क्या है कि उनको प्लान तरीके के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि किस तरह के प्रोग्राम्स और स्ट्रैटेजी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किए जाए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनकी जो नॉलेज है इजाफा हो सके, इंक्रीज हो सके. HRD is a continuous planned process by which employees are helped to acquire or sharpen the capability required to perform various functions associated with their present or expected future roles. तो यहाँ पे HRD के अंदर ये देखा जाता है कि जो presently वो काम कर रहे हैं इसको और better तरीके से कर सकें, और अगर future के अंदर उनको कोई और position मिलती है तो उस role के साथ भी justice कर सकें. HRD का main ये objective होता है कि present role को वो better तरीके से कर सकें और future role को भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सके. डिवेल्प देयर जनरल कैपेबिलिटी एज इंडिविजुअल, डिस्कवर देयर एंड एक्सप्लॉयट देयर ओन इनर पोटेंशियल फॉर देयर ओन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज. तो यहाँ पे इंडिविजुअल की जो जनरल कैपेबिलिटीज होती हैं, जो जनरल आउटलुक होता है उसको इंक्रीज किया जाता है, और वहाँ पे उसकी जो इनर कैपेबिलिटीज होती हैं, पोटेंशियल अप्रेजल होता है, पोटेंशियली जो उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है उसको भी हाईलाइट किया जाता है, ताकि वो एज ए इंडिविजुअल भी उसको यूज़ कर सके और ऑर्गेनाइजेशन भी उसका बेनिफिट उठा सके. और उसी तरह यहाँ पे एक कल्चर इस तरह का डिवेल्प किया जाता है कि जहाँ पे सुपीरियर कोऑर्डिनेट रिलेशन, टीम वर्क और कोलैबोरेशन जो है इन्हांस हो सके. और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम होता है और सिस्टम के अंदर सब सिस्टम होते हैं, और सब सिस्टम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर सके, टीम वर्क कर सके, कोऑर्डिनेशन कर सके, तो ये एचआरडी का मेन जो है
ऑब्जेक्टिव होता है। ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल प्रोवाइडिंग, देखो जब हमने ह्यूमन बींग्स को डेवलप करना है तो उनको हमने एक कंड्यूसिव और राइट कल्चर प्रोवाइड करना है, राइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, ताकि इंडिविजुअल जो है अपना जो उनका पोटेंशियल है उसको वो फुली डिवेल्प कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर एंड फीचर्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो सिस्टम पर्सपेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है डैट इज़ द ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स को हमने किस तरह से डिवेल्प करना है, क्योंकि अदर जो फैक्टर्स हैं, अदर जो रिसोर्सेज हैं, दे आर पैसिव रिसोर्सेज, ओनली जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक्टिव है, जिसको जिसने उन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या है कि उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको एक स्टेप बाय स्टेप जो है लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाते हैं, ताकि वो अपनी कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सके। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, फिनांस है, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लेवल पे बंदे को जो है डेवलप किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम की तरह काम कर सके। बिहेवियरल साइंस नॉलेज का अर्थ होता है कि देखो जैसे ह्यूमन बीइंग है, इसको डेवलप करना जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, उसकी नीड्स एस्पिरेशन दे आर वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर जो है स्टडी किया जा रहा है, उसके बेसिस पे उसको मोटिवेशन दी जा रही है कि आपने डिवेल्प होना है। तो यहाँ पे बहुत सारी जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, उसका किया जाता है ताकि ह्यूमन बींग्स को प्रॉपरली जो है डेवलप किया जा सके। क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखो यहां पे जो एचआरडी का मेन मकसद क्या होता है कि लोगों के अंदर कैपेबिलिटी इन्हांस हो सके। अगर लोगों के अंदर कैपेबिलिटी इन्हांस हो सकेगी तो उनका अर्निंग पोटेंशियल भी इन्हांस होता है, अर्निंग पोटेंशियल इन्हांस होता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है बेटर हो जाती है। और एचआरडी जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि ये डायनेमिक है, क्योंकि प्रोएक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिवली जो है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उनको कंटिन्यूसली डेवलप करना पड़ेगा। और जब हम कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे, इंटरपर्सनल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इन्हांस होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द बिलीफ ऑफ द एचआरडी, कि जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है किया जाता है सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का ये बिलीफ होता है, और ये सही भी बिलीफ होता है कि ह्यूमन बींग जो है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी सारी चीज़ों को हम डेवलप नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स को हम डेवलप कर सकते हैं और उसका जो पोटेंशियल है अनलिमिटेड एक्सटेंट तक इंक्रीज कर सकते हैं। और वहाँ पे ज़रूरत होती है एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक इंटीग्रेटेड, देखो वहाँ पे लोग जो होते हैं डिवेल्प होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, नॉलेज को इन्हांस करते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है ओपन होता है, लोगों में जोश होता है, एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कलैबोरेशन करने को तैयार होते हैं। और यहाँ पे इस ढंग से प्लानिंग और मॉनिटरिंग की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को भी उसका बेनिफिट हो और इंडिविजुअल को भी उसका बेनिफिट हो, एम्प्लॉय की कमिटमेंट और मोटिवेशन को भी हम अचीव कर सकते हैं, और उसी तरह ही हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को भी अचीव